37वीं जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता गोवा में होने जा रही है, इसमें हिमाचल की ओर से 18 खेलों में हम लोग तकरीबन 176 के करीब खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेने जा रहे हैं। ये खेल जो है ये एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, जूडो, स्विमिंग, शूटिंग, स्पेक्टाकरा, टाइक्वांडो, रेसलिंग, वुशु, कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल में हम लोग भाग ले रहे हैं। लेकिन अभी दो खेलों में फाइनल जो अप्रूवल है वो आनी है, वो है वॉलीबॉल और हैंडबॉल। उसकी अभी फाइनल अप्रूवल नहीं आई है कि ये खेल वहाँ होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ अभी फाइनल अप्रूवल हमको नहीं मिली है। ये 37वीं जो गोवा में होने जा रही है, अभी सिर्फ एक टीम जो है वो नेटबॉल की गई है, वो कल ही यहाँ से रवाना हुई है, जो जिनका जो 22 तारीख से वहाँ नेशनल गेम शुरू होने से पहले ही वो उनकी प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी, तो अभी नेटबॉल गए हैं। कब से कब ये प्रतियोगिता होगी और मेडल को लेकर कितनी उम्मीद है आपको? ये प्रतियोगिता 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होने जा रही है। 26 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और 9 अक्टूबर को इसका समापन समारोह जो होगा उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति जी करने जा रहे हैं। और जहाँ तक मेडल की संभावना है, पिछले नेशनल गेम्स में जो गांधीनगर में हुए थे उसमें हमारे 9 मेडल थे, जिसमें 2 गोल्ड मेडल थे, 4 सिल्वर थे और 3 ब्रॉन्ज मेडल थे। इस बारी हमें उम्मीद है कि हमारे मेडलों में जरूर बढ़ोतरी होगी, क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या में भी 126 से 176 है, तो मेडल भी हमें जिस तरह के हमारी प्रतियोगिताओं में हमारे हिमाचल के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है हाल ही में नेशनल लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको देखते हुए हमें उम्मीद है कि इस बारी हमारे जो हिमाचल के लिए मेडल भी ज़्यादा आने चाहिए।